तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि समीप फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा जिसमें दोस्तों कोर्स नेम दिया गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पे कोर्स नेम में देखेंगे ट्रिपल सी जो है हमारे पास तीन बार रिपीट हो रहा है, मतलब ट्रिपल सी के तीन बैच है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दोस्तों तीनों बैच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनको हम एक साथ कैसे काउंट कर सकते हैं उसको हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये सम फंक्शन से तो नहीं होगा, समीप फंक्शन यूज करने के लिए हमको यहाँ पे दोस्तों लिखना पड़ेगा इक्वल समीप। इक्वल समीप लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको ब्रैकेट को ऑन करना होगा। ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे शो रहा होगा कि रेंज शो करना है, किस रेंज के अकॉर्डिंग हमको डेटा को जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कोर्स नेम वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद दोस्तों हमको क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया हमारा ट्रिपल सी है। क्राइटेरिया देने के बाद फिर से देंगे कॉमा। उसके बाद दोस्तों फिर से सम रेंज वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको सम करना होता है। अब सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कर देंगे एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ट्रिपल सी का नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल वो 52 है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।